लंगूर आ गया था बीच में। ओ भाई एकदम से आगे आ गया था। पहले तेरी बाइक के आगे आया, फिर इसके बाइक के आगे आया। अच्छा, मैं उस टाइम मैंने देखा पीछे से।
डाल दिया। अच्छा अरे भाई भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ ओके 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 ओके। अरे ये भाई ब्लॉगिंग कर रहा था, मैंने पीछे देखा ना जब ये रुका तो लाइक जैसे मैं स्टार्टिंग में करता था फोन से, ये भाई भी फोन से ही कर रहा है। तो ये भी जल्दी मूव ऑन करेगा गोप्रो की तरफ को। तो अभी इसने फोन निकाल लिया, फोन लगाना है तो इसके लिए हो सकता है थोड़ा सा स्टॉप इसलिए और फिर भाई से बातचीत करेंगे। इससे ही फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं। मैराथन का भी कोई सीन है यहाँ पे, मैराथन भी रेंज जो करवा रहा है कोई, तो जगह जगह पे स्टॉप लगे हुए हैं वाटर के। आगे कहीं पेट्रोल पंप है कि नहीं यहाँ? पेट्रोल पंप है ना, अंदर है ना। 19 20 नहीं कहीं भी नहीं, जैसी है जैसी निकलवाई थी वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया इस पे। क्या चीज करवाएंगे यार, यहाँ तो ठंड है सही। ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट है, यहाँ तो ठंड है। जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में धूप नहीं है उस एरिया में ठंड लग रही है। धूप में आते ही वो ऐसे एकदम रिलैक्सेशन, शरीर को ऐसा लगता है हाँ धूप लगी है। धूप की अहमियत का पता चलता है। और मैं ना एक टी शर्ट और एक जैकेट पाई हुई बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मेरे लगा था नॉर्मल होगा, देख लेंगे जैसा धूप जहाँ निकली होगी, बट ये है कि जहाँ धूप नहीं निकली हुई जहाँ पे थोड़े से पेड़ की छाया है ना उस। चलो 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 यार, पीछे ना बहुत गंदा जैम लगा हुआ है, कोई वीआईपी पार्टी है आई थिंक यहाँ पे। तो लोग ना रास्ते में गाड़ी पार्क करके निकल गए हुए, समझ रहे हो? और उसी में यहां से बस ने भी निकलना है। चलो कोई बात नहीं। मैं लास्ट टाइम आया था तभी भी ये रास्ता बन रहा था, काफी महीनों बाद आया संभव का टाइम था जब मैं आया था। पहले रोड पक्का था बुरा यार, लास्ट टाइम जब मैं आया था, अब इतना बुरा हाल। ये मैं इस पे यहाँ पे तो हल्का भी तेज नहीं चला सकता क्योंकि जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना
एबीएस है फिर भी, बट इसके सिंगल चैनल एबीएस है, सॉरी, तो एक ही फ्रंट में एबीएस है, पीछे से नॉन एबीएस है, तो टायर स्किट हो रहा है। एक बार रास्ते में भी हुआ है, रास्ते में हुआ था, लाइक मैं थोड़ा सा कट मारा था, मैं ब्रेक दबा दिया हल्का सा, तो टायर एक साइड को निकल गया था, उस टाइम तो मैंने इग्नोर किया। डर लग रहा भाई इसको देख के, तो इस साइड ना इस, हाँ हाँ ठीक है, बैक लेना पड़ेगा। हाँ बैक ले रहे, खिंचवा दो खिंचवा दो खिंचवा दो। मैं निकल जाएगी, अब निकल जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, आजा आजा। अरे थैंक यू। लेह लद्दाख तो यही हो गया आज हमारा, तो ब्रेक मारते टाइम भी सोच समझ के मारना पड़ रहा है ये यार। पहले के ये रास्ता वो अपने आप चल रही है और अपने साइड को ही चल रही है, जहां मन कर रहे वहां जा रही है। भाई यहाँ तेज मत चलाना, एबीएस भी काम नहीं कर रहा। ऐसा रास्ता, देखो 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 बाइक भाई, बर्फ में चलाना और यहाँ चलाना सेम बात है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं बर्फ में भी एक बार चला चुका हूँ। अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जा सके देख सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, फर्स्ट आई थिंक सेकंड ब्लॉग है वही। हम पहुंच जाएंगे सिकरताल, यहाँ पे पीछे एक हॉन्टेड हाउस भी है, इनकी हॉन्टेड हाउस है, झूले झाले लगे हुए हैं बच्चों के लिए बेसिकली। वो उसमें अपने को कोई मतलब नहीं है वहां नहीं जाने का, आगे हम लोग सीधा तिकड़ताल जाएंगे ताल के मजे लेने। ये है तिकड़ताल, पहले भी मैं आया हूँ एक बार ही, तो यहाँ पे व्लॉग बनाया था छोटा मोटा सा, इसी लेक जगह का नाम तिकड़ताल है और तिक्कड़ताल का ये लेक है, कुछ ऐसे ही है ना भाई। रास्ते में बस वो क्या हो गया था जो लंगूर आ गया था बीच में, वो भाई एकदम से आगे आ गया था। पहले तेरी बाइक के आगे आया, फिर इसके बाइक के आगे आया। अच्छा, मैं उस टाइम मैंने देखा पीछे से, मैं कहा लंगूर ने तो एल लगवा दिए थे तुम्हारे आज। ऐसे करके क्रॉस आ रहा, मैं कहा मरेगा क्या, मैं उसको वही रोक दिया, तो निकल आपसे बचा, फिर मेरे आगे से निकला वो। अच्छा हाँ, इसकी बाइक के नीचे से वो जिस रास्ते में डॉग्स नहीं होते जो आगे पीछे करने लग जाते व्हीकल देख के, वैसा कुछ सीन हो गया था।
होता है। अब मैंने रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ वो पता नहीं, देख लेना। कुछ ऐसा है नज़ारा, हम लोग जल्दी आ रखे हैं इसलिए लोग यहाँ पे कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है ना, फिर भी बहुत है, फिर भी बहुत है जगह के हिसाब से। तो जितना अच्छा रास्ता है ना उस हिसाब से तो ये भी बहुत है। हिम्मत करके आए होंगे या ये किसी, ये देखो ये रहा, ये हालत हो रखी है हमारे कपड़ों की, धूल मिट्टी झड़ रहे हैं। मैं खुद उतर के बाइक से सबसे पहले धूल ही झाड़ी है। मुझे लगा पता नहीं मिट्टी तो लगी नहीं, जब मेरे झाड़ा फिर निकली। पर यार रास्ते में यानी कि जो तू कह रहा था ना लद्दाख जाना शामिल, आधी तैयारी यहीं पे होगी है, हो है। जैसा रास्ता है तो मेरे 25-30% लद्दाख में ऐसे ही रास्ता है सेम, जहाँ दीन दुनिया से परे। यहाँ पे एक छोटा सा पपी, इसको कोई मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कौन है बे, देखे बारू क्या करेगा मेरा, वो रिकॉर्ड करेंगे हम, फेंक दू नहीं यार कराओ रिकॉर्ड। सो गाइस ये जूम नहीं होता, जूम नहीं होता, कनेक्ट करके करना पड़ता है दोस्त। ये व्यू है यहाँ का पूछने के लिए, पर वो साला रोता बहुत है हर एक चीज के लिए सच्ची में। कौन रंजीत, थ्री सिक्सटीज का बहुत बेटर है, थोड़ी सी जूमिंग होती बहुत प्यारा लगता है। बस थोड़ी देर और बैठेंगे हैं शामिन, हाय बोलो। कितने बार हाई बुलवाएगा बेचारे शामिन भैया, ये हमारे व्लॉग में हाई चलता है और कुछ नहीं। जब भी देखो हाय बोलो, हाय हाय बोलो हाय। जब इसने कैमरा लगाया था ना वहां पर स्टार्टिंग में, मैंने तो क्या बड़ी बोली थी, हाय बोलो भैया हाय। बस 15-20 मिनट और बैठेंगे ठंडी ठंडी हवा का मजा लेके थोड़ी देर यार, फिर उसके बाद दोबारा जो ट्रेन से आए, ट्रेन से आए थे धक्के खाते हुए, उसी में दोबारा जाना पड़ेगा बाइक चलाते हुए। दोनों हाँ ऊपर बैठ जाओ ऐसे है ना, हाँ खड़ी खड़ी मत करना इसको, ये लो अगर दिख जाए तो देख लेना, तुम सबको भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। क्योंकि तुम भी एक एक सब्सक्राइबर हो। चलो अब थोड़ा V4 के भी मजे लिए जाए। ये तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है मुझे, इसको यार क्लच कितना स्मूथ है। मानना पड़ेगा जो पैसे है ना, जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं V4 में वो इसी चीज के हैं, उससे जो डिफरेंस है पैसों का वो दिखता है साफ साफ कि इतना पैसों में डिफरेंस क्यों है दोनों में। सही है इसका, इसका यार मैं अपनी चलाता हूँ ना, बट इसका क्लच है ना जो वो स्मूथ है यार उसके मुकाबले, है ना उसका थोड़ा टाइट है,
और इसमें अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा एक दिन और राइड पे जाएंगे तो व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर कि दोनों में मेरे को क्या क्या कितना कितना डिफरेंस लगा। हाँ लुक भी अच्छा लगा राइड पे जाके, जाते रहेंगे आते रहना, बाकी ऊपर नीचे दाएं बाएं कर लेंगे जो होना है। ठीक है चलो ओके शामिन ब्रो। नहीं नहीं काटना ही पड़ेगा, सोच समझ के एडिट करना पड़ता है। ओके ओके ओके।